एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, ठीक है। हम बात करेंगे आज क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फंक्शन क्या होता है, ठीक। वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मेनी वन क्या होता है और एन टू क्या होता है, ठीक है। कुछ चीजें बाकी रह गई होगी तो आज क्वेश्चंस करेंगे, उनसे चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। देखो एक आसान सा क्वेश्चन गिवन है, लेट ए, मुझे एक सेट गिवन है ए, 1, -1, 2 and 3, this is your set A. And then set B is given as 1, 4, 9 and 16. ठीक। और इसने बोला है कि show that the function f defined from A to B. हमने कभी देखा था कि ऐसे लिखते हैं function f defined from A to B, such that f(x) is equal to x square. ठीक है। is minimum and into function, ये किस टाइप का फंक्शन होगा, minimum होगा और into होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो कल हमने सीखा था कि into क्या होता है और onto क्या होता है, minimum क्या होता है, one one क्या होता है, ठीक है। तो पहले minimum की बात करते हैं, minimum किस टाइप का था, ठीक है। हमने कल देखा था कि हमारे पास कोई भी दो अगर सेट है, that be set A और B, ठीक है, और एक इस फंक्शन के थ्रू रिलेटेड है A to B, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी एलिमेंट है, ए बी सी भी, यहाँ मान लो 1, 2, 3, 4 कुछ भी है, ठीक है। तो मैनुअल में क्या था, यहाँ डोमेन के, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, मैनुअल से, बाकी वाले चाहे कुछ भी हो, मतलब सी थ्री से मान लो डी फोर से है, ठीक है, किसी से रिलेटेड है, एक से ज्यादा एलिमेंट यानी डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज क्या है, सिंगल इमेज है, it means this kind of function is called many one function, यानी many connected with one, ठीक है, दो से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा आप बोल सकते हो, ठीक है, एक से ज्यादा जब किसी सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो उसको फंक्शन को क्या बोलेंगे, many connected with one means many one function, ठीक है। तो पहले many one की बात करते हैं, बाद में into की बात करेंगे, ठीक है। एक एक से ही कनेक्टेड होता, मतलब ये बी वन और टू से कनेक्टेड होता, then it called one one function, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है, तो एज इट इज जैसे हमने किया, यहाँ पे भी वेन डायग्राम बना लेते हैं, लेट बी सेट ए इज देयर 1, -1, 2 and 3, एज इट इज सेट बी इज देयर 1, 4, 9 and 16, ठीक है भाई। अब फंक्शन मुझे डिफाइन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऐसी वैल्यूज हमने निकालना सीखा हुआ पहले भी, ठीक है, जब हम 9th-10th में करते थे क्या करते थे, यहाँ पे x की जो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब x मतलब क्या है, ये fx is equal to x, सिंपल समझ लो कि यहाँ x का मतलब है ये सारी वैल्यू किसके लेगा, डोमेन की सारी वैल्यू लेगा, डोमेन मतलब जहां से जहां डिफाइन है, कहां से कहां डिफाइन है, a टू b डिफाइन है, इट मींस ये a आपका क्या है, डोमेन रहेगा, ठीक है, फंक्शन के लिए डोमेन पूरा सेट रहता है, ठीक है। और b क्या होगा मेरा, दैट इज योर कोडोमेन, ये मेरा क्या होगा, कोडोमेन होगा, ये चीज याद रहेगी, ठीक है, ये डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है, ठीक है। तो x कहां से वैल्यू लेगा, x हमेशा डोमेन से वैल्यू लेगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो कहां आनी चाहिए, वो इस कोडोमेन में आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां करके दिखा रहा हूं, वैसे रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x की पहली वैल्यू क्या होगी, 1, तो f ऑफ 1 अगर मैं निकालना चाहूं तो दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मींस दिस इक्वल टू 1, यानी डोमेन का 1 जो है कोडोमेन के 1 से ही कनेक्टेड है, पहला वैल्यू। अब -1 को चेक करते हैं, f ऑफ -1 निकाला मैंने, दैट इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर, दिस अगेन बिकम 1, मुझे पता है नेगेटिव स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, दैट इज 1, तो -1 भी किससे कनेक्टेड है, 1 से ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट लेता हूं f ऑफ 2, दिस बिकम 2 स्क्वायर मींस दिस बिकम 4, तो 2 किससे कनेक्टेड है, 4 से, एंड दिस 3 किससे कनेक्टेड हुआ, 3 3 जा 9, ठीक। तो ये रफ वर्क है, एक तरह से आप बिलीव कर सकते हो, बहुत छोटी कैलकुलेशंस है तो ऐसे ही कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि आप हमेशा वैल्यूज पुट कर करके देखो, ये आपको जस्ट समझाने के लिए था कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूं क्या ये मैनी वन फंक्शन है, क्या ये मैनी वन है, ये वन वन है, ठीक है। यानी जब एक एलिमेंट एक से रिलेटेड होगा तब वन वन होगा, अदरवाइज वो मैनी वन होगा। देखो अब वन किससे रिलेटेड है, वन से, और माइनस वन भी किससे रिलेटेड है, वन से, यानी मैनी रिलेटेड विद वन, इट मींस दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन है, सारे एलिमेंट क्या है, रिलेटेड है कोडोमेन से, ठीक है। और क्या है, मैनी वन फंक्शन है क्योंकि डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट वन से कनेक्टेड है। तो इसको लिखेंगे कैसे, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है फंक्शन चैप्टर में कि क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंट लिखना कैसे है, वो चीज की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो
सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो चीजें हमें पता है जैसा हमें पता होता है वैसे ही चीजें लिखनी होती है, ठीक है। कि ये मैन इवन क्यों है, क्योंकि इसके दो एलिमेंट इससे रिलेटेड है, तो मैं सिंपली बोल दूंगा बिकॉज वन कॉमा माइनस वन बिलोंग टू ए, सेट ए मीन्स आप कह सकते हो डोमेन को जो बिलोंग करते हैं, हैव एज हैड सिंगल इमेज इन सेट बी और वी कैन से को डोमेन, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई कि वन और माइनस वन जो ए से रिलेट करते हैं हैज सिंगल इमेज, उनकी सिर्फ ये वाली क्या होती है इमेज, ये क्या होती है प्री इमेज, सिंगल इमेज इन सेट बी, तो देयर इन बी और बी मेरा क्या है को डोमेन, आप बोल दो इन को डोमेन सेट बी की वजह, तो देयर फॉर मैं बोल सकता हूं कि fx is equal to x square, ठीक है। और कहां से कहां निकालना है, फ्रॉम a टू b is or sorry many one function, ये क्या होगा मेरा many one function होगा, is many one, that's it। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी, आप सिंपली ये बोल सकते हो कि one belongs to set b has more than one premise, इसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है, therefore it is many one function, एक ही क्या है इससे एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो एक से ज्यादा प्री इमेज होती है तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, sorry many one function, सिंपल है, ठीक है। तो इसको बोलने का तरीका बस ये बोल दो कि इसकी दो एलिमेंट्स जो डोमेन में है उनकी सिंगल इमेज है तो भी many one है, एक एलिमेंट को डोमेन में है उसकी क्या है मल्टीपल प्री इमेज है तो इट मीन्स दैट इज ऑल्सो क्या है वो मेरा many one function है, that's it, ठीक है। तो आपके लिखने की लैंग्वेज आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, हो जाएगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इनटू के ऊपर, बहुत आसान सा था, बहुत बेसिक चीज थी, ठीक है। अब जस्ट मुझे पता होना चाहिए कि भाई अब फंक्शन तो मैं बना चुका हूं, अब हम बात करते हैं कि इनटू और ऑनटू में क्या डिफरेंस था, हमने कल किया था ना इनटू है कि ऑनटू है, ठीक है। तो ऑनटू क्या बोलता है, ऑनटू बोलता है कि भाई ये वाला जो सेट है ना, ठीक है, यानी मेरा जो को डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब सीधा सा है कि इसका हर एक एलिमेंट इससे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं चेक करता हूं, यहां पे मैं चेक करता हूं क्या ये मेरा इनटू है कि ऑनटू, चेक करते हैं, ये सारे एलिमेंट मैंने देखे कोडोमेन में क्या सारे कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। तो इट मीन दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन, ठीक है। वापस आता हूं मेरे क्वेश्चन पे, यहां पे देखो वन कनेक्टेड है, फोर कनेक्टेड है, नाइन कनेक्टेड है, बट 16 कनेक्टेड नहीं है, तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। लिखोगे क्या 16 बिलोंग्स टू बी और वी कैन से कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन, किसमें प्री इमेज नहीं है डोमेन में, इन सेट ए और वी कैन से डोमेन, तो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन into function, देख इसकी प्रीमेज नहीं है तो into इसकी प्रीमेज मिल जाती थी, ये क्या हो जाता onto function हो जाता, simple है, सबसे basic सबसे आसान question हमने कर लिए। अब एक step और आगे बढ़ाते हैं, इसको हटा सकता हूँ, ठीक है, ये clear हो रही होगी, एक दो question solve लेते हैं, देखो next so that the function f r to r, अब इसने function define किया है from real number to real number, ठीक है, वहाँ पे particular set था but यहाँ पे real number to real number बोल रहा है, and given by ये function given है कि f x is equal to 2x, ये मुझे function define किया इसने is 1 1 and on 2, मुझे prove करना है कि ये क्या है 1 1 भी है और on 2 भी है, अब मुझे पता चल चुका है कि 1 1 क्या होता है और on 2 क्या होता है, लेकिन अब problem क्या है, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया वहां पे मुझे पता था कि मेरे पास चार एलिमेंट इधर थे चार इधर थे, मैंने चेक कर लिया वेन डायग्राम बना थे, क्या यहां ऐसा पॉसिबल है कि मैं वेन डायग्राम बना पाऊं, पॉसिबल नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने तरीका भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो 1 1 कैसे चेक करते हैं और ऑन टू कैसे चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट की भी बात की थी हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है, तो 1 1 के लिए क्या करते थे हम, ठीक है, जो इसका डोमेन, अब ये ध्यान रखना कि ये मेरा डोमेन है और सारी इस x की वैल्यू मैं इस डोमेन से लेता हूं, ठीक है, और
एफएक्स जो इसकी वैल्यू आएगी फाइनल, जो इसमें पुट एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सारी इससे रिलेट करेगी, यानी किससे, कोडोमेन से। ये ध्यान रख लेना ठीक है। ये बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं ठीक है, जहाँ पे बेसिक से तरीका लग रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी जो हम हल करने वाले, मैं बताऊंगा आपको। देखो अब देखो मैंने क्या बोला भाई, वन वन चेक करते हैं। वन वन चेक करने के लिए क्या बताया था कि मैं कोई भी दो एलिमेंट लूंगा, लाइक मैंने बोला कि x1 और x2 मैंने दो एलिमेंट ले लिए दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, मींस किसको, डोमेन को बिलोंग करते हैं ऐसे दो नंबर मैंने लिए ठीक है, मैंने कह लिया ऐसे दो नंबर लिए जो इस डोमेन को बिलोंग करते हैं ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से निकालता हूँ एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स वन। एफ एक्स टू निकाला, सिंपल सी बात है, जहां एक्स था वहां एक्स टू रख दो, दैट इज एक्स टू। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ ठीक है, तो मैंने क्या किया fx1 is equal to fx2 put कर दिया ठीक है, ये दोनों मैंने क्या कर दिए, इक्वल पुट कर दिए। तो इक्वल पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 2x1, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, मुझे मिला x1 is equal to x2 ठीक है। यही चीज मैंने आपको बताई थी कल कि क्या करना है आपको, दो एलिमेंट लेने हैं कोई भी जो कि डोमेन को बिलोंग करते होंगे ठीक है, उन दोनों के फंक्शन निकालना है, उस दोनों के फंक्शन को क्या करना है, इक्वेट कर देना है ठीक है। वहां से अगर आपको जो एलिमेंट दोनों माने थे इन दोनों के इक्वेट करने के बाद अगर वो दोनों एलिमेंट आपको इक्वल मिलते हैं तो इट मींस मैं बोल सकता हूं कि वो फंक्शन कैसे आपका कैसा फंक्शन है, वो वन वन फंक्शन है। तो देयरफॉर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, क्या बोलूंगा कि ईच एलिमेंट ऑफ एफ ठीक है फ्रॉम आर टू आर ठीक है such that fx is equal to 2x has unique or only unique बोल सकते हैं या फिर मैं बोल सकता हूं only one pre-image, sorry image not pre-image, therefore it is 1 1, इधर क्या होगा 1 1 होगा ठीक है। यूनिक इमेज बोल सकते हो या फिर ओनली वन इमेज बोल सकते हो, दोनों में से एक चीज लिख दूं दैट्स इट एनफ ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी तो मैं बोल सकता हूं कि वो क्या होगा मेरा वन वन होगा ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था क्या करना है ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, देखो मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए रैंडमली ठीक है, उनके दोनों के फंक्शन इक्वल कर दिए, उनके फंक्शन इक्वल अगर मेरे ये इक्वल नहीं आते तो मतलब ये था कि यहां से मैंने डोमेन से ये मेरा डोमेन होता और ये मान लो है मेरा कोडोमेन ठीक है। मैंने यहां से दो एलिमेंट उठाए ठीक है, दोनों के फंक्शन यानी दोनों किसी एक वैल्यू लेट बी ए है, दोनों क्या कर रहे हैं किसी एक वैल्यू में जा रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है मैनी वन होता, मतलब ये इक्वल नहीं आता तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होता मैनी वन, बट ये इक्वल आ गए ठीक है। और इक्वल कैसे है कि मैंने एक्स वन और एक्स टू दो लिए थे बट इनके फंक्शन जब इक्वल किए तो मुझे मिला कि x1 और x2 एक ही बात है, इट मींस x1 ही x2 है और x2 ही x1 है ठीक है, तो मतलब एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज बन रही है, इट मींस दिस इज ए 1 1 फंक्शन ठीक है। सेम आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, कैसे, एक और तरीका भी इसको करने का ठीक है, जो आगे एक दो क्वेश्चंस में आपको जरूरत भी पड़ सकती है ठीक है। मैं इस फंक्शन को क्या करता हूं, जैसे मैंने ये लिया लेट दो एलिमेंट मैंने इससे ले लिए और मैंने बोल दिया कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है ठीक। अब मैं ट्राई करता हूं यहां पहुंचने की, मैं इन दोनों को डबल कर देता हूं ठीक है, तो 2x1 is not equal to 2x2, yes or no ठीक। अब देखो यहां से ये मेरा fx1 है तो मैं बोल सकता हूं कि fx1 is not equal to fx2 ठीक है, इसी बात को कहने का दूसरा तरीका ये बस ठीक है। मैंने यहां पे क्या लिया, दो नंबर लिए उनके फंक्शन इक्वल पुट कर दिए ठीक है, तो मैंने मुझे क्या मिला कि दोनों एलिमेंट भी सेम है। मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, मैंने बोला कि दोनों एलिमेंट अलग अलग है ठीक है, दोनों एलिमेंट अलग अलग है तो दोनों के फंक्शन भी अलग अलग होंगे तभी तो मेरा वन वन होगा ठीक है, यानी मेरे पास यहाँ पे एक्स वन है यहाँ पे एक्स टू है ठीक है। मैंने बोला दोनों अलग अलग ही है, दोनों अलग अलग है तो वन वन कब हो सकता है, जब एक इससे और एक ए, यानी एक ए से एक बी से, यानी दो अलग अलग एलिमेंट से ये क्या होगा कनेक्ट होगा तभी तो ये मेरा क्या होगा, इसको आप एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू भी ले सकते हो ठीक है, नो इससे ज्यादा अच्छे से ठीक है, ये दोनों अलग अलग से करेंगे तभी तो वन वन होगा, अगर सिंगल से कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किस टाइप का फंक्शन हो जाएगा ये
तो करने के दो तरीके, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, पहले वाला समझ में पहले वाले से करो, दूसरे वाला है दूसरे वाले से, दोनों इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक करना है आपको दोनों में से, ठीक है? तो बेटर रहेगा फर्स्ट करो आप, ठीक है? इनकी जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, जहां पे ये यूज नहीं हो पाएगा वहां पे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी बेसिक्स क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट है, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑन टू की, इसको डालो भाई, ठीक है? सेम फंक्शन इसे पूछाएगी, मुझे प्रूव करना है कि ऑन टू की, ऑन टू के लिए क्या बताया मैंने मुझे क्या कर देना है, लेट y इज इक्वल टू f of x, f of x को मैं y मान लेता हूं, इट मींस दिस बिकम y इज इक्वल टू 2x, 2 को इधर ले आओ तो y / 2 इज इक्वल टू x, बस इतना काम कर देना है, इसके इक्वल मानना है x की वैल्यू निकालो, ठीक? अब मुझे क्या चेक करना है कि हर एक y की वैल्यू के लिए, y का मतलब भाई मैंने सिंपल सा बताया, x मींस डोमेन, x यहां पर रिलेट करेगा, y means codomain, अब जरूरी नहीं है कि हर बार real real natural natural दो अलग अलग domain, मतलब दो अलग अलग भी हो सकता है ना, natural real numbers हो सकते हैं, real और natural number भी हो सकते हैं, ठीक ठीक है? तो अब ये y कहाँ belong करता है, इसको, तो मुझे इस y की यहाँ से value उठानी है, इस codomain से, ठीक है? अब y के लिए domain है, ठीक है? तो real number की values उठानी है इस y के लिए, और चेक करना है कि क्या वो x को belong करेंगे, यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू उठाता हूँ, रियल नंबर कोई भी वैल्यू उठा हुआ, ठीक है? क्या वो रियल नंबर ही होगा, होल डिवाइड बाय 2, यानी किसी भी नंबर का मैं हाफ कर दूंगा तो वो डिफाइन होगा कि नहीं होगा, यस yes, सारे नंबर रियल नंबर्स में आते हैं, इमेजिनरी को छोड़ के, तो इमेजिनरी तो यहां आ भी नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि ना तो यहां रूट है, ठीक है? और ना ही यहां मेरा डोमेन में कहीं जगह, तो सारी बात हम रियल नंबर्स की कर रहे हैं, ठीक है? तो सारे नंबर क्या होंगे, रियल ही होंगे, ठीक है? यानी इस y की मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूं यहां पे, 1 2 -2 -3 -4 -1.5 कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपको एक डिफाइन वैल्यू मिलेगी x, ठीक है? तो फिर मैं यहां से बोल सकता हूं कि देयरफॉर फॉर ऑल, ठीक है, y belongs to real number, for all y belongs to real number, ठीक है, ठीक है, x मेरा क्या है, x is defined, ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि y की सभी values के लिए x मेरा क्या होगा, defined होगा, ठीक है? मतलब x की एक value मुझे मिलेगी, तो x अगर defined है, तो therefore this function is onto function, ये function क्या होता है मेरा, onto function होता, ठीक है? ऑन टू किस कंडीशन में था, मान लो यहीं पे, मान लो कुछ ऐसा मिल जाता मुझे कि x is equal to 2 by y मिलता, ठीक है? तो अब देखो y is equal to अगर मैं 0 पुट करता हूं, दिस बिकम 2 by 0, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या होता है मेरा, नॉट डिफाइन, इसका मतलब y is equal to 0 पे ये डिफाइन नहीं होता, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू, क्योंकि अब मुझे क्या मिल रहा है जब मैं y is equal to 0 पुट कर रहा हूं तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है? यानी इस जीरो की कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है, ये जीरो क्या रहेगा मेरा, हमेशा खाली रहेगा वाई में, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन, ये मेरा किस टाइप का फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी आपको, तो अभी मुझे सिर्फ इतना देखना है कि अगर ये डिफाइन है, इट मीन दिस बिकम ऑनटू फंक्शन, ठीक? तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, इसी चीज को अगर मैं एक और चीज से बोलना चाहूँ, मान लो मैं डोमेन आपका चेंज करता हूँ, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मैंने इसको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर दिया, क्या अब भी ये ऑन टू फंक्शन होगा, चेक करें, ठीक है, चेक करते देखो मान लो मैंने y इक्वल टू 1 रखा, दिस बिकम 1 / 2 इज इक्वल टू x, अब दोनों कहां बिलोंग करते हैं, मुझे पता है y भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और x भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है? x भी किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, क्या 1 / 2 नेचुरल नंबर है, इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर ये क्या होगा मेरा, क्या हर y की वैल्यू के लिए डिफाइन हो गया, इसके डोमेन में डिफाइन होना चाहिए ना, इसके डोमेन में, वैसे तो 1/2 डिफाइन है, लेकिन क्या नेचुरल नंबर होता है 1/2, नहीं होता, इट मींस दिस नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज इनटू फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है? अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5, सो एज इट इज मेरा यहां रहेगा 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है? अब देखो y = 2x है, मैं x1 रखता हूं, मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2, x2 रखोगे मिलेगा 4, x3 रखोगे मुझे मिलेगा 5 और 6 होता 6, as it is 4 के लिए 8 है, अब मैं अगर 1 के लिए इस साइड ढूंढूं, क्या 1 की कोई वैल्यू मिलेगी मुझे, नहीं मिला, 3 के लिए ढूंढूं, यहां पे कोई भी नंबर नहीं मिला,
यानी 1, 3, 5 की जितने भी ओड नंबर है उनकी मुझे प्री इमेज नहीं मिल रही, इट मीन दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज इनटू फंक्शन नॉट ऑनटू। आई बस समझ में, ठीक है? तो मींस आपको बताया मैंने कि डोमेन और कोडोमेन मैटर करता है कि कहां से कहां अप्लाई कर रहे हैं। तीन क्वेश्चन लिखे मैंने, ठीक है? तीनों देखते हैं, 1, 2, 3। फर्स्ट वन क्या बोला इसने कि फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइन है, ठीक है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मुझे फंक्शन गिवन है। तो इससे मुझे बोला है कि चेक करो इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी मतलब फंक्शन वन वन है कि नहीं, इंजेक्टिविटी वन वन को बोलते थे, एंड सब्जेक्टिविटी मीन्स किस फंक्शन को क्या बोलते थे, ऑन टू कम सब्जेक्टिविटी। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, तीनों, ठीक। सबसे पहले पहला लेते हैं, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम एफ टू जेड मीन्स इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है, एंड फंक्शन मुझे किया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता है इंटीजर भी इनफाइनाइट होते हैं तो मेथड वही रहेगा, ठीक है। वन वन चेक करने के लिए क्या करें, सबसे पहले वन वन चेक करते हैं। तो इस डोमेन में मैं दो एलिमेंट लूंगा कुछ भी, लेट एक्स और वाई, कुछ एक्स और वाई लेते हैं, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो, डजंट मैटर, बट मुझे लिखना है कि एक्स वन एंड एक्स टू, ए एंड बी, एक्स एंड वाई वो बिलोंग्स टू किसको बिलोंग करते हैं, जेड को बिलोंग करते हैं, मीन्स दिस सेट ऑफ डोमेन, डोमेन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एंट्रीज एफ एक्स वन निकालेंगे, ठीक है। आप बोल सकते हो कि सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है, दोनों की इक्वेट कर दिया मैंने। एफ एक्स वन क्या होगा, दैट इज एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स वन क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स टू का होल स्क्वायर, यस और नो, ठीक है, इसे समझ में आ गई, ठीक है। और जब भी हम रूट के अंदर स्क्वायर होता है, इसका लिखेंगे क्या लिखते हैं, अल्टीमेटली कभी भी आपको ऐसा मिलता है कि मान लो एक्स स्क्वायर होल रूट, इसका मतलब है मोड ऑफ एक्स, ठीक है। कोच इसको इक्वेट करते हैं कि एच स्क्वायर मोड इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये वैसे गलत है, ठीक है। कुछ बोलेंगे इसको भी तो प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है, इसको प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होती है, क्या, जैसे मोड ऑफ एक्स मैंने लिखा तो यहां पे मैं इसको रीडिफाइन अगर करना था तो मैं बोलूंगा कि व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स जीरो से कम होगा देन दिस बिकम माइनस एक्स, एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रूट ऑफ एक्स इसको हम लिखते हैं प्लस माइनस, मान लो जो भी रूट निकलेगा, जो भी वैल्यू आती है रूट एक्स, ये अलग चीज है, ये अलग है, ठीक है। एक्स स्क्वायर रूट का मतलब हमेशा मोड ऑफ एक्स बाहर आएगा, ठीक है, ये गलत है, ये सही है। मोड ऑफ एक्स का मतलब होता है ये कंडीशन कि व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो देन इट इज नेगेटिव, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन इट इज पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा एक्स वन इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स टू, ये सब कैसे रूट कैंसिल आउट वो आप जैसे करते हो वो बोलते हैं, बट यहाँ पे मोड लगा देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्स वन इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स टू, इसका क्या मतलब है भाई, ठीक है। अब मेरा बिलोंग करता है इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है, यानी जीरो से कम भी होगा, इसका मतलब बोल सकता हूँ कि एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, ठीक होगा, कब होगा, जब मैं क्या बोलूंगा कि एक्स टू इज लेस देन जीरो होगा, ठीक है, जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, और यही वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक है। तो अब सिंपली हम जल्दी इसको ऐसे ही बोल देते कि एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू होगा, ठीक है। एक्चुअलिटी में अगर जैसे ऐसा हम करते हैं तो हमेशा मुझे कंडीशन मिलती है, तो मुझे ऐसे लिखना होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो वन वन के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि ऐसा जब भी हम करते हैं तो एक्स वन 100% एक्स टू के इक्वल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं मिलनी चाहिए मुझे बाद में, ठीक है। तो हर वैल्यू के लिए इक्वल होना चाहिए, तभी मैं क्या बोलूंगा उस फंक्शन को वन वन बोलूंगा, अदरवाइज जैसे ऐसी कंडीशन मिल गई, ऐसी कंडीशन मिल गई, तो उस कंडीशन में क्या बोलूंगा, वो फंक्शन मेरा वन वन नहीं है, वन वन नहीं है तो कैसा है भाई, वो फंक्शन मेरा क्या है, मैनी वन है, दिस फंक्शन इज मैनी वन, ठीक है। तो अब लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, जो लाइन हमेशा लिखते हैं कि अब मैनी वन में क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि यहां से इस कंडीशन से मैं बोलूंगा कि देयरफॉर, लिख के दिखा दो, देयरफॉर, ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है, बिलोंग टू जेड हैज, और विकल्प से यहां पे अब डोमेन ए बी सेट होता है, अब दोनों ही जेड जेड के, तो बोलो कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन बोलो ज्यादा बेटर है, डोमेन हैज सिंगल इमेज, देयरफॉर इट इज एन टू फंक्शन, ठीक है, ये लिख दो, दैट्स इट। यानी एक से ज्यादा एलिमेंट की क्या है, सिंगल इमेज है, या फिर उल्टा बोलना चाहो जैसे मैंने बताया कि ठीक है,
क्या है, किसी भी एक एलिमेंट फ्रॉम द कोडोमेन, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज मोर देन वन प्री इमेज, देयरफॉर इट इज एन मेनी वन फंक्शन, ठीक है। और अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना चाहो तो ऐसे किस चीज को देखो, आप देखना चाहो तो सिंपली एक्स स्क्वायर है ना, इंटीजर्स मतलब 0, 1, 2, 3, एट इज -1, -2, -3 ऐसे चलेगा। अब देखो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी तो क्या होगा 1 ही होगा, मेनी वन फंक्शन, दैट्स इट। एट इज 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, -2 का भी 4 होगा, बिकॉज बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। That's why मैंने इसको क्या बोला, मैनी वन फंक्शन बोला, ठीक है। चलो इसको मैं एक और चीज और सीख लेते, इसी क्वेश्चन में मान लो ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होता तो क्या करते, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, सारा कुछ प्रोसेसर रहेगा। अब यहां पे आ जाओ, अब जब मैंने क्या बोला यहां पे, जब एक्स टू इज लेस देन जीरो, क्या ये पॉसिबल है कि एक्स टू लेस देन जीरो होगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, मेरा एक्स टू जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता, वो हमेशा क्या रहेगा जीरो से बड़ा ही रहेगा, इट मीन्स ये वाली कंडीशन ही नहीं आने वाली, ये कंडीशन नहीं आएगी, तो जीरो इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू भी नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज दिस इज एन क्या है मेरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जीरो से बड़े होंगे, तो एक्स टू क्या होगा सिर्फ एक कंडीशन आएगी, इस कंडीशन में एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो तो क्या होता है दैट इज 1, 1, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन क्या बन जाता मेरा 1, 1 बन जाता, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये मोड वाला कॉन्सेप्ट ऐसे ध्यान रखो, ये चीजें आपको दिमाग में रहेगी, अदरवाइज आप प्लस माइनस लगाओगे, प्लस माइनस लगाते ही बोल दोगे ये तो क्या है भाई n2 फंक्शन है, ठीक है, सॉरी मेनी वन नॉट n2, क्या है मेनी वन फंक्शन है, 1, 1 नहीं करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है दो चीजों पे, कहां से कहां है फंक्शन, ठीक है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, और दूसरा इन छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीजर टू इंटीजर लेते हैं, और अब बात करते हैं ऑन टू, चेक करते हैं कि वे फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। तो आदि चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, बाकी चीज लिखने वाली चीज आपको समझ में आ गई क्या क्या लिखना है, ठीक है। सेम एंट्री क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू fx, और fx किसके इक्वल है x स्क्वायर, मींस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को देख ले क्या होगा, दिस रूट ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो गया x, यानी मैंने x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब देखना है कि हर एक y की वैल्यू के लिए क्या x डिफाइन है, यानी इंटीजर कहां से कहां बिलोंग करते हैं भाई, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर, तो मुझे पता है कि पॉजिटिव नंबर का तो रूट निकलता है, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता, वो कौन सा पार्ट आता है इमेजिनरी, और इमेजिनरी नंबर क्या इंटीजर्स में आते हैं, नहीं आते, तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं, ठीक है, कि y इज इक्वल टू, ठीक है, अगर मैं बोलूं y belongs to negative integers, ठीक है, when y belongs to negative integer, ठीक है, x क्या होगा, x is not defined, x मेरा defined नहीं होगा, ठीक है, सभी negative value के लिए, यानी y की जो भी negative value होगी उनके लिए मेरा x क्या होगा defined नहीं होगा, तो therefore मैं क्या बोलूंगा, integer into function not onto, ये मेरा function onto नहीं है, तो ये observation आपको रखनी पड़ेगी, सीधा साधा यहाँ आपको y की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, देखो पॉजिटिव के लिए तो होगा, नेगेटिव वैल्यू मैंने चेक की, तो अगर मैं माइनस टू पुट कर दूं, मान लो माइनस टू रूट, ठीक है, क्या इसका सॉल्यूशन ये बिलोंग करेगा इंटीजर्स को, या रियल नंबर भी होता है, क्या रियल नंबर को बिलोंग करता, नहीं करता, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ये मेरा n2 है ऑन टू फंक्शन नहीं है, बिकॉज फॉर y इज इक्वल टू माइनस टू तब x इज नॉट डिफाइंड, आप यहाँ पे व्हेन y इज नेगेटिव इंटीजर बोला आपने, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हेन y इज इक्वल टू माइनस टू x is not defined, आप इसको ऐसे भी बोल सकते, कोई भी एक एग्जांपल लेके छोटा सा, ठीक है, तो भी आपका सही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल चाहिए, ठीक है, वो सही है, मतलब वो एग्जांपल बता रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मतलब वो गलत है, दैट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो कि भाई कि नेगेटिव इंटीजर्स जो होंगे मेरे पास, ठीक है, y belongs to negative integer has no pre-image in its domain, so therefore this function is कि this therefore क्या बोला हमने कि when y belongs to negative integers there is no pre-image of negative integers in the domain, so therefore this function is into function not onto, that's it, ठीक है। अगर आप इसको practically करना चाहो तो देखो आपके सारे function minus three का भी क्या आएगा, ठीक है, अगर इसी को define करो minus three के लिए क्या आएगा, nine आएगा, ये माइनस वन के लिए चेक करो, क्या माइनस वन के लिए कोई वैल्यू यहां डिफाइन है,
कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं, माइनस टू के लिए माइनस थ्री के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब इनकी कोई भी प्री इमेज यहाँ नहीं बनेगी, तो इट मीन दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज क्या होगा n2 होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं, अगर आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो तो वन लाइनर भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड दैट दैट देयर इज नो प्री इमेज ऑफ द नेगेटिव इंटीजर इन द कोडोमेन, तो देयरफॉर इट इज एन n2 फंक्शन, दैट्स इट, सिंपल। आगे बढ़े, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पे बढ़ते हैं। अब मेरा फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड फंक्शन है fx = x³। वन वन चेक करने के लिए सेम है, fx is equal to x cube, वही x1 x2 belongs to किसको belong करेंगे, natural number को, ये मैंने उठा लिए दो, ठीक है। function निकाला fx1 क्या होगा, that is x1 cube is equal to x2 cube, यही होगा भाई, directly कर रहा हूँ, I think चीजें समझ में आ गई, कैसे step by step करना है, वो चीजें आप समझ चुके हो, ठीक है। तो बस आपको अब questions आने चाहिए, उधर लेके जाओ तो x1 is equal to क्या हो जाएगा, cube root of x2 cube, हाँ मैं लिख सकता हूँ x1 is equal to x2, yes or no, ये चीज समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज हमने की हुई है भाई कि अगर मेरे पास कोई भी इवन पावर होती है, ठीक है, मींस x रेज टू पावर, मैं कि कोई भी नंबर है मेरे पास, ठीक है, लेट मैं बोल देता हूं 8 होल क्यूब है, 8 का मैं क्यूब निकाल रहा हूं तो आपको मिलेगा 2, माइनस 8 का क्यूब निकालोगे आपको क्या मिलेगा, दैट इज माइनस 2, सिंपल, ठीक है। बट सेम एज इट इज, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालता हूं आपको मिलेगा 2, बट 4 का स्क्वायर सॉरी माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर भी 4 होता है, इसका स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, रूट ऑफ फोर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस टू लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी चीजें हैं, देखिए ये चीज ध्यान रखना, अगर मुझे x square is equal to 4 मिलता है, तो it means x is equal to root of 4, we can say plus minus 2. But अगर x is equal to root of 4 मिलता है, it means this answer is 2. ठीक है? ये चीज़ भी ध्यान रखना, बच्चों को confusion होती है इन चीज़ों में। अब ये चीज़ क्या बताती है मुझे कि इस equation में maximum power क्या है, 2. Root कितने होंगे, 2. तो मेरा आंसर 2 ही मिलेगा। इस equation की मैं बात करूँ, वैसे definitely कुछ बच्चे confused हो रहे हैं, ये दोनों चीजें सेम ही तो है, इस 2 को उधर जाएंगे तो रूट ही हो जाएगा, लेकिन अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। x square is equal to 4 means x is equal to plus minus 2, but x is equal to root 4 means x is equal to 2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी नंबर का आप रूट करना चाहो, root of 16 क्या होता है, that is 4 always, not plus minus 4, ठीक है। but यहीं पे मैं equation बोल देता है कि x square is equal to 16 है, then x is equal to plus minus 4, that's the right thing, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, जो काम आती है। तो हम कहां थे क्वेश्चंस में उसकी बात करते हैं, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा था कि क्यूब रूट मतलब नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट करोगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट करोगे पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव का क्यूब भी करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। बट इन केस ऑफ इवन पावर, इवन पावर जब भी होती है मतलब इवन रूट जब आप निकालते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है, प्लस माइनस। यानी स्टैंडर्ड कह सकता हूं कि x रेज टू पावर अगर मैं क्या करता हूं 1 बाय 2n मतलब कोई इवन पावर है तो हमेशा आपको साइन क्या मिलेगा, प्लस माइनस की फॉर्म में मिलेगा, ये ध्यान, ठीक है। बट यहां पे पावर क्या है, ऑड, तो इट मींस x1 is equal to x2, तो ये कहीं भी बिलोंग करता, दैट्स योर आंसर इज ऑलवेज, किस टाइप का फंक्शन है ये, दैट इज ऑलवेज 1 1, ये मेरा हमेशा क्या रहेगा, 1 1 रहेगा, ठीक है भाई, याद रहेगा, हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए क्या करोगे, y is equal to x cube, x is equal to cube root of y, cube root ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब y की कोई भी वैल्यू पुट करो, क्या उसके लिए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, यस और नो, ठीक। मैंने 1 पुट 1 पुट किया, 1 का क्यूब रूट तो 1 होता, ठीक है, 2 पुट कर दो, x is equal to क्यूब रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ फ्रैक्शंस में आएगी, मतलब पॉइंट समथिंग, ठीक है, जो भी आए, ठीक है। तो अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी क्यूब रूट में, ठीक है, तो वो क्या होने वाला है, ठीक है, क्या वो मेरा नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, क्या वो एक प्रॉपर नंबर मिलेगा, सिंपल सा कांसेप्ट ही है, क्या वो एक पूरा नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इट मींस मैं सिंपली बोल सकता हूं कि व्हेन y इज इक्वल टू 2, ठीक है, किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां तो मुझे y की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है, किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मेरा x डिफाइन है, x इज नॉट डिफाइन, x मेरा डिफाइन नहीं है, फॉर दिस व्हेन y इज इक्वल टू 2 x इज नॉट डिफाइन, x डिफाइन नहीं है, ठीक है, x डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है,
onto नहीं है, मतलब ये किस टाइप का फंक्शन है, ये into फंक्शन है, सिंपल हो जाएगा ठीक है। अब यहीं पे भाई नेचुरल नंबर की जैसे नीचे वाला देख लिया, रियल नंबर टू रियल नंबर बिलोंग करते तो क्या होता, अगर रियल वन वन तो सेम रहेगा बट यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर कर रहा है बिलोंग ठीक है, तो अब ये टू के लिए तो डिफाइन हो गया, टू के लिए क्या होगा कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, पॉइंट में तो रियल नंबर में आते हैं कोई दिक्कत नहीं चलेगा ठीक है। लेकिन ठीक है अब क्या बात कर रहे हैं कि पॉइंट्स में आएगा चलेगा ठीक है, और कुछ बोलेंगे कि रूट टू क्यूब रूट ऑफ टू तो इरेशनल नंबर होता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं इरेशनल नंबर होता है सबको पता है, ये क्या होता है मेरा इरेशनल नंबर होता है, क्या इरेशनल नंबर मेरे रियल नंबर में आते हैं बिल्कुल आते हैं भाई, तो मतलब डिफाइन है ठीक है। ये चीज जिसको पहले बताया इरेशनल तो वो नेचुरल की बात नहीं करेगा, ये इसको देखते ही कहते इरेशनल नंबर है, इरेशनल मतलब नेचुरल बिलोंग नहीं करता, मीन्स वो क्या है मेरा ऑन टू नहीं है एन टू है, बट यहाँ तो ये डिफाइन है ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई तो फिर आप क्या बोलना चाहोगे ऑन टू फंक्शन है ठीक है कुछ बोलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाई किसके माइनस से पुट करता हूं अब क्या होगा भाई, क्या अब भी आप बोलना चाहोगे ऑन टू फंक्शन है ठीक है, बिल्कुल ऑन टू फंक्शन है क्योंकि माइनस टू का क्यूब रूट भी पॉसिबल है। अगर यहीं पे मैं क्या कर देता माइनस टू का स्क्वायर रूट कर देता ठीक है, यानी इवन पावर होती तब ये कहां चला जाता मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता, मतलब ये डिफाइन नहीं होता, मतलब क्यूब रूट ऑफ माइनस टू इज डिफाइन ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं, माइनस मिले प्लस मिले कुछ मिले पावर जब ऑड होगी ठीक है ऑड क्यूब रूट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज ये क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। तो अगर ये नेचुरल नंबर बिलोंग करता तो ये एन टू था, रियल नंबर टू रियल नंबर किया तो ये सेम फंक्शन भी मेरा क्या बन गया ऑन टू बन गया ठीक है, तो ये ध्यान रखिए ना, इसलिए मैंने बताया था कि ये चीजें मैटर करती हैं ठीक है। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट f of x is equal to the one and minus one if x is rational ठीक है, and minus one if x is irrational ठीक है, तो तुम छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पूछा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑन टू, सिर्फ ऑन टू चेक करना है मुझे इसका ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं ठीक है। जब रेशनल नंबर होगा तो वन होगा, इरेशनल होगा तो वन होगा, और ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइन फ्रॉम आर टू ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर डिफाइन है फंक्शन इसने क्या बोला, अगर फंक्शन नंबर मेरा रेशनल नंबर होगा मतलब 1 2 3 ऐसे कुछ होगा ठीक है, तो उस कंडीशन में मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, हमेशा मिलेगा वन। लेकिन जब इरेशनल होगा मतलब रूट ऑफ टू रूट ऑफ थ्री रूट वाले टर्म्स ऐसी कुछ होगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस वन ठीक है, मुझे दो ही इमेज मिलने वाली, या तो वन मिलेगी या माइनस वन मिलेगी। जब मेरा रेशनल नंबर होगा तो वन मिलेगा, इरेशनल होगा तो माइनस वन मिलेगा। भाई इसके बीच वाले नंबर कहाँ है, ये भी तो रेशनल टू रेशनल ही बिलोंग करता है, इसमें भी तो इन दो नंबर को छोड़ के इनफाइनाइट नंबर है, क्या उनकी प्री इमेज बन रही है, नहीं बन रही है ठीक है। इट मीन्स ये भी फंक्शन क्या है मेरा n2 है on2 नहीं है, तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि नंबर अदर देन 1 एंड माइनस 1 इन द कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन द डोमेन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज n2 फंक्शन ठीक है। क्या बोला मैंने, नंबर्स अदर देन 1 एंड माइनस 1 इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो देयरफॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे हम इसको n2 फंक्शन बोलेंगे, on2 नहीं बोलेंगे, वन वन है कि मैनी वन है, सिंपल से दिख रहा है भाई मैनी वन ठीक है। बहुत सारे नंबर है जो वन को और इनफाइनाइट नंबर है जो माइनस वन को कनेक्ट करेंगे, दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इन टू नॉट ऑन टू ओके। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई थिंक आसान ठीक है। एक एग्जांपल था पहले वो करवाना चाहूंगा, फिर हम मॉडुलस फंक्शन भी देखेंगे एक बार ठीक है, जिसमें हाँ अब इसने कहा कि एफ एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, f is a function defined from natural number to natural number ठीक है। फिर इसने बोला कि fx is आपको function define किया हुआ इसने, first इसने बोला कि the function is x plus 1 if x is odd
जब x odd होगा तो ये फंक्शन क्या है, x plus 1 है, और x minus 1 होगा if the x is even. जब x मेरा even होगा तो ये फंक्शन क्या है, x minus 1 है, odd होगा तो x plus 1 है. तो मुझे क्या करना है, शो दैट, मुझे प्रूव करना है कि दिस काइंड ऑफ दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होगा. मुझे प्रूव करना है कि 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, ठीक है. तो अब यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब फंक्शन को इसे दो वे में डिफाइन कर दिया. लास्ट वाला तो आसान था, उसकी वैल्यू दे दी मुझे, ठीक है, लेकिन इस बार वैल्यू नहीं दी, ठीक है, दो अलग अलग फंक्शंस में डिफाइन कर दिया, ठीक है. तो ऐसे फंक्शंस को हम कैसे चेक करें कि वो 1 1 है कि ऑन 2 है, ठीक है. तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया x1 इज नॉट इक्वल टू x2 वाला, वो यहां यूज होने वाला, ठीक है. ठीक है, अब सिंपल सा देखो, अब यहां पे मैं दो नंबर लूंगा ना, सिलेक्ट x1, x2 belongs to natural number. ये कहां से का डिफाइन, natural number डिफाइन. तो मैंने इसको डोमेन में से दो नंबर ले लिए. तो अब चार कंडीशन मेरे पास बन सकती है, कौन कौन सी, कि दोनों या तो ऑड हो, ठीक है. फर्स्ट केस, केस वन ले लेते हैं हम, ठीक है, कि दोनों नंबर ऑड हो. दूसरी केस बन सकते हैं दोनों इवन हो. तीसरा बन सकता है कि पहला ऑड हो दूसरा इवन हो. और तीसरा बन सकता है कि ये ऑड हो ये इवन हो, ठीक है. चार केस बन सकते हैं, चारों केसों को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है. पहले दो तो एज इट इज जैसे हम पहले करते थे, लेकिन लास्ट के दो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है. तो पहले बात करते हैं x1 और x2 की, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इफ केस 1, इसको चाहे आप लिखना चाहो तो पहले नंबर अज्यूम कर लिया मैंने, और केस 1 मैं यहां लिख देता हूं कि व्हेन x1 एंड x2 आर ऑड, दोनों नंबर क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक है. दोनों नंबर क्या होंगे, ऑड होंगे. तो fx1 क्या हो जाएगा भाई, सिंपल है, ऑड नंबर के लिए कौन सा लगेगा, ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा, दिस बिकम x1 + 1. fx2 क्या होगा, दैट इज आल्सो x2 + 1, ठीक है भाई. इक्वेट कर दो दोनों, करोगे तो x1 + 1 इज इक्वल टू x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2. तो ये तो ये बोल रहा है कि अभी तक ये क्या है, 1 1 है, ठीक है, लेकिन अभी बाकी है, ठीक है. ये तो पहला केस लिया जब ये ऑड है. अब मैं चेक करता हूं इवन होंगे तब, ठीक है. तो केस 2 मैंने क्या लिया यहां पे, When x1 and x2 are even. जब ये even number होंगे तो क्या होगा उसकी बात करते हैं. Even होंगे तो function नीचे वाला लग जाएगा, ठीक है. तो मैं directly ये x1 नहीं निकाला, directly fx1 इसे put करोगे, this become x1 minus 1 is equal to x2 minus 1. ऐसे कुछ हो जाएगा, आपको करके दिखाना है पूरा. 1 से फिर 1 cancel out, x1 is equal to x2. तो ये भी यही बोल रहा है कि ये function क्या है, 1 1 है, ठीक. अब case number 3 लेते हैं, ठीक है. केस नंबर 3 लेते हैं, केस 3, ठीक है. केस 3 में क्या होगा भाई, एक इवन होगा एक ऑड होगा, यानी मैं बोलूंगा कि x1 इज ऑड ले लेता हूं व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन. मैंने ये केस लिया, एक चीज मुझे बताओ कि x1 इक्वल टू x2 हो सकता है कभी भी, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर हो सकता है, नहीं. तो देखो बोल सकता हूं x1 is not equal to x2 होगा, ये 100% sure है. तो इसके लिए मुझे 100% sure चाहिए कि मेरे function भी equal नहीं होने चाहिए. अगर मेरे number equal नहीं है तो function भी equal नहीं चाहिए. अब यहाँ मैं equal नहीं ले सकता था, ठीक है, ठीक है. equal जब मेरे दोनों number मैंने equal prove किए, मैंने दोनों function को equal करके दोनों number equal prove कर दिए, ठीक है. But यहाँ से एक even है एक odd है तो 100% sure है कि दोनों number कभी equal नहीं हो सकते, ठीक है. तो अब मुझे उल्टा process करना है, जो मैंने आपको बताया था, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ठीक है. मुझे फंक्शन बताने के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है. उसके लिए क्या करें, देखो अगर मैं निकालता हूं fx1, मैं निकालता हूं यहां से fx1 निकालता, ठीक है. fx1 देखो, when x is odd, odd के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, it means this become x1 plus 1, ये सुनो, ठीक है. क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू इवन, यस और नो. मैंने एक odd नंबर में प्लस 1 कर दिया, वो इवन हो जाएगा, यस और नो. तो fx1 मेरा क्या है, इवन आया, ठीक है. अब मैं बात करता हूं fx2 की, यहां से मैंने देखा fx2 निकाला, fx2 x2 क्या है, इवन, इवन नंबर के लिए देखो, दिस बिकम x2 - 1, इवन - 1 ये क्या हो जाता है, दिस फंक्शन इज ऑड, ठीक है. तो यहां पे आप लिख सकते हो देयरफॉर fx1 इज इवन आ रहा है और ये क्या आ रहा है, fx2 इज ऑड आ रहा है. तो क्या इवन और ऑड फिर से इक्वल हो सकते हैं, नहीं. देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2. आया समझ में, सेम एज इट इज, लास्ट स्टेप लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, अब मैं x1 को तो इवन लूंगा
और एक्स टू को क्या लूंगा, ऑड लूंगा, अगर वो भी इक्वल, अब सेम यहाँ पे भी होगा कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू होगा, ठीक है, एफ एक्स वन निकालो, तो एफ एक्स वन मतलब एक्स वन इवन है तो नीचे वाला एक्स वन माइनस वन, ये फंक्शन कैसा आ जाएगा, ऑड, एज इट इज एक्स टू प्लस वन कैसा आएगा, इवन, क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं, इट मीन्स एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है, तो अगर ये नंबर जो मैंने लिए ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन भी इक्वल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन मिले या फिर आपको ये मिले कि फंक्शन इक्वल है तो नंबर इक्वल है, ऐसी कंडीशन में इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन वन, तो देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक और ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, तो देयरफॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज वन वन फंक्शन, आई गेस समझ में, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, ठीक है, इसको हटा दूंगा, ऑन टू फंक्शन देखते हैं, ऑन टू का क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको इक्वल टू वाई ले लेते हैं, ठीक है, वाई के लिए मेरे पास दो फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू क्या रहा है, एक्स प्लस वन आ रहा है, और वाई इज इक्वल टू दूसरा क्या आएगा, एक्स माइनस वन है, ऐसे कुछ हो तो ये कंडीशन कब है, जब एक्स इज ऑड, एक्स क्या होगा मेरा, ऑड होगा, और ये कंडीशन कब है, जब एक्स इज इवन, एक्स मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है, तो यहां से मुझे मिल रहा है कि अगर एक्स इज ऑड है, एक्स ऑड है तो वाई मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा हमेशा, और जब x इवन होगा तो y मेरा क्या होगा, हमेशा ऑड नंबर होगा, तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, ठीक है, यानी जब x ऑड नंबर होगा तो ये हमेशा इवन क्वांटिटी देगा, और जब ये क्या होगा, इवन होगा तो हमेशा ऑड क्वांटिटी देगा, ठीक है, तो दो अलग अलग, ठीक है, तो ये जब x ऑड होगा तो y क्या होगा, इवन, और जब x इवन होगा तो y क्या होगा मेरा, यानी मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन, वो हमने वहां पे भी चेक कर लिया था, ठीक है, तो यहां से मुझे क्या चीज मिल रही है, यहां से मुझे मिल रही है, ये हमेशा मुझे सारे इवन, यानी इसके जितने भी, यानी दो कोडोमेन में जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनकी प्री इमेज क्या होगी, ऑड नंबर्स में मिलेगी, और जितने भी ऑड नंबर होंगे उनकी प्री इमेज किसे मिलेगी, इवन नंबर में मिलेगी, ठीक है, दूसरा क्या कोई भी कंडीशन ऐसी दिख रही जहां पे वाई डिफाइन हो, अगर मैं वन को लेके जाऊं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन, क्या कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे वाई डिफाइन ना हो, ठीक है, सॉरी, एक्स डिफाइन ना हो वाई की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, ठीक है, ये मेरा ऑड के लिए, ठीक है, और इवन के लिए क्या है मेरे पास, x is equal to y plus 1, ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे y is equal to 1 पे डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन बेटा y is equal to 1 क्या है, सॉरी, इवन क्या लिख दिया, ये दिस इज फॉर इवन, ठीक है, तो y मेरा क्या है, इवन है, कब, जब x ऑड है, तो ये ऑड की कंडीशन किसकी है, इसकी, y की कंडीशन क्या है, y क्या होगा मेरा, इवन नंबर होगा, ठीक है, तो y की कोई भी वैल्यू आप इसी में पुट कर दो, तो ऐसे भी कर सकते हो कि y मेरा इवन है, y की इवन कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कहां से, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर से बाहर, तो क्या पुट करोगे, मिनिमम इवन क्या हो सकता है, 2, 2 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 3 पुट इसमें करेंगे, बिकॉज 3 क्या है मेरा, y ऑड है, x किसकी कंडीशन है, इवन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ यही चीज आपको, ठीक है, इसने क्या बोला, पहली चीज मेरी यहां से निकल के आई, ठीक है, कि देखो ये अलग अलग वैल्यूज होगी, तो मुझे पहले से पता चल चुका है कि जब x ऑड होगा तो y इवन होगा, जब x इवन होगा तो y क्या होगा, ऑड होगा, ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है, तो यहां पे देखो हर y की वैल्यू के लिए क्या मेरा x डिफाइन है, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तो 2 पुट करो, मैंने 2 पुट किया, 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, 1 को चले जाओ, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1, एज इट इज y की कोई भी इवन वैल्यू पुट करो, आप इधर जाओगे ये सबट्रैक्ट होता रहेगा, 2 4 6 यानी 1 से तो बड़ी होगी, और 1 से सारी बड़ी आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर्स में से नेचुरल नंबर ही सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है, सेम एज डी, जब y क्या होगा मेरा, ऑड नंबर होगा, मींस लाइक 1 होगा, तो 1 इधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, x क्या जाएगा, 2, x मेरा क्या हो जाएगा, इवन, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहां से वो क्या करेंगे, y minus 1 is equal to x कर देंगे, और y को बोलेंगे कि y is equal to 1 के लिए डिफाइन नहीं है, बेटा y is equal to 1 नहीं, y मेरा इवन होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा, ऑप्शन समझ में आई चीजें, आसान है, ठीक है, ठीक है, आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़े अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, सिग्नम या साइन फंक्शन जिसको बोलते थे, इसमें बोला है कि शो द सिग्नम फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, fx, अगर ये नहीं देता, ये डायरेक्टली बोल देता कि सिग्नम फंक्शन है, तो डायरेक्टली मुझे यही करना था, तो इसने गिवन है, इसने गिवन है कि 1 इफ x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, and x is less than 0 के लिए ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है,
तो आपको सिग्नम फंक्शन भी अगर बोल दे तो ये चीज समझ जाना है आपको, ठीक है, डायरेक्टली लिख लेना ये, ठीक है। जीरो पे हमेशा जीरो रहेगा, जीरो से बड़ा होगा तो वन हो जाएगा, जीरो से छोटा होगा तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या आएगा, सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन के बारे में इसने क्या पूछा है कि नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, प्रूव करना है कि ना तो ये वन वन है ना ही है ऑन टू है, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, आर टू आर है, मतलब ये मेरा रियल नंबर होगा और यहां पे भी मेरा रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अब इसने बोला कि x से जितनी भी बड़ी वैल्यू है, रियल नंबर x से बड़ी वैल्यू कितनी है, जैसे मैं 1 ले रहा हूं, 1.1, 1.2, कुछ भी लो, 2, 3, 5, सारे मेरे रियल नंबर ही तो है, ठीक है। ये सारे क्या है, जीरो से बड़े, इन सब के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, यानी यहां पे 1 मिलेगा, वो इन सब के लिए आएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं भाई, ठीक है, क्लियरली मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि x से जितनी भी बड़ी इनफाइनाइट जितनी वैल्यू की, सबका आंसर मुझे क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, क्योंकि many किससे कनेक्ट हो रहे हैं, 1 से। तो दिस काइंड ऑफ, ये फंक्शन क्या 1 1 है, नहीं, ये क्या है, many one फंक्शन है। रीजन क्या दोगे, इट्स द सेम रीजन, ठीक है, कि मोर देन वन एलिमेंट इन द डोमेन हैव सिंगल इमेज इन द कोडोमेन, देयरफॉर इट इज एन, क्या होगा ये, 1 1 नहीं होगा, many one होगा। तो ये मेरा कौन सा टाइप का फंक्शन है, many one फंक्शन होगा, ठीक है। और सिंपली आप यहां से बता सकते हो, 1 0 और -1 मेरी क्या है, इस की रेंज क्या है, 1, 0, -1, ये मेरी रेंज है, ठीक है, सिर्फ ये मेरी रेंज है, ठीक। और यहां पे क्या है, मेरे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, सारे किससे कनेक्ट होने वाले, सिर्फ इनसे कनेक्ट होने वाले। सिंपली मुझे दिख रहा है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, मैनी वन टाइप। अब बात करें ऑन टू और इन टू की, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये तो सारे कनेक्टेड होंगे, इसके अलावा -2 जे 1.1 ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया, 2, 3, 4, 5, ये क्या इनकी प्री इमेज दिख रही है, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि लेट्स, अगर रेंज से बोलना चाहो तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज एन इन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू, ठीक है। सिंपली मैंने बताया था कि इन ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, मेरा ऑन टू फंक्शन में मेरी रेंज जो होती है, दैट मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। पर जब ये इक्वल नहीं होती तो उस कंडीशन में इस फंक्शन का बोलूंगा इनटू फंक्शन बोलूंगा। तो ये मेरा किस टाइप का फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो इतना आसान है, कुछ नहीं है। तो सिंगल फंक्शन समझ के क्या होता है, ठीक है, x से बड़ी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, x के इक्वल 0 रहेगा, x से लेस -1 रहेगा, ठीक है। ये सारे फंक्शन हम सेपरेट वीडियोस में करेंगे, मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ठीक है, लॉगरिथमिक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये सारे फंक्शन हम एक सेपरेट अलग अलग वीडियोस में करेंगे, ठीक है, ताकि इनको डीपली अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आने वाली है आपकी कैलकुलस में, ठीक है। तो ये मेरा अधिक आसान था क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, मोडुलस पे बेस्ड, इसको डालो, ठीक। तो बस लिखने का तरीका देखना है, डायरेक्टली मुझे दिख तो रहा है यहां से कि 1 2 1 1 नहीं है, ठीक है, बट लिखने के लिए सिंपली है, यहां से आप बोल सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इट इज इन इनटू फंक्शन, या फिर बोल सकते हो क्या बोल सकते हो, इनके अलावा, ठीक है, कि एलिमेंट्स अदर देन 1 0 एंड -1 हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, therefore it is an into function, not on. अच्छा नहीं, I think. फिर से next इसे बोला कि function is defined from R to R. Sorry, R to R नहीं है ये. इसे बोला function defined है R से x belongs to R minus 1x. ठीक है, इसने क्या बोला भाई, अब देखो इसको समझो पहले तो, और फिर फंक्शन भी जो दिया है वो लिख देता हूं पहले, इज 1 1 एंड ऑन टू, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये इसने दिया हुआ, ठीक है। एक फंक्शन है, कहां से कहां डिफाइन है, रियल नंबर से, कहां से कटेगा, मैंने x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लाई बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। x किस किस के बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको बताना है, प्रूव करना है कि 1 1 और 2 है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का मैंने आपको सिंपली बताया था कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहां कंडीशन लगी है, ये प्लस कब होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 लगा सकते हो, और माइनस कब होगा जब x इज लेस देन 0, अब इक्वल टू का साइन इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसके साथ नो प्रॉब्लम, ठीक है, जल्दी हम पढ़े वाले करते हैं, ठीक है। तो सेम इसको रिडिफाइन करना पड़ेगा, इट मींस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 1, अब प्लस 1 कब लूंगा, प्लस
एक्स में जब लूंगा मोड एक्स को प्लस एक्स लिया कब लूंगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एक्स क्या होगा 0 से बड़ा होगा ये तो रियल नंबर को बिलोंग करता है एक्स ये वाला डोमेन में जो वैल्यू पुट करनी होगी इसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को जो कोडोमेन में होगा ना वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए ठीक है आई बात समझ ठीक ये मेरा क्या है कोडोमेन को बता रहा है ये मेरा कोडोमेन है और ये मेरा क्या है ये मेरा डोमेन है ठीक है इस एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है दूसरा मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं इक्वल टू कर देता हूं f(x) = क्या होगा x / 1 अब ये माइनस एक्स लूंगा मैं कब लूंगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो ये मेरे फंक्शन बन गए ठीक है हो गया इसके बाद मुझे प्रूव करना है कि ये 1 1 है कि नहीं और देन ऑन टू है कि नहीं पहले 1 1 की बात करते हैं तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं सेम कंडीशन लेते हैं वही अब यहां पे देखो इवन ऑड वाला या फिर रेशनल रेशनल वाले चार केस बनेंगे ठीक है कैसे वाले मैं दोनों को लूंगा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर यानी इसके डोमेन को बिलोंग करते हैं ठीक है अब ये दो नंबर किस टाइप के हो सकते हैं हो सकता है दोनों 0 से बड़े हो सकता है दोनों 0 से छोटे हो सकता है एक 0 से बड़ा हो एक छोटा हो ठीक है तीन और चौथे में क्या हो सकता है ये छोटा हो ये बड़ा हो या फिर ये छोटा हो ये बड़ा हो ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो ये कंडीशन चलेगी ठीक है तो केस वन लेते हैं वेल x1 x2 बोथ आर ग्रेटर देन 0 दोनों ही 0 से बड़े होंगे तो कौन सा फंक्शन लोगे पहला लोगे ग्रेटर देन 0 तो यहां पुट कर दो बस दिस बिकम x1 डिवाइड बाय 1 प्लस x1 ठीक है एंड इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय 1 सॉरी x2 डिवाइड बाय 1 प्लस x2 ऊपर वाले में लेंगे क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हम कर रहे हैं ठीक है ठीक तो इस फंक्शन को सिंपलीफाई करना है और मुझे क्या करना है x1 इक्वल टू x2 अगर आता है तो ठीक है अदरवाइज हमने कुछ गलती की ठीक है सॉरी गलती नहीं की है अदरवाइज वो क्या होगा मैनी वन हो जाएगा ठीक है इससे मल्टीप्लाई करो दैट इज x1 प्लस x1 * x2 इज इक्वल टू x2 इससे करोगे दैट इज x2 प्लस x1 * x2 अब देखो ये पूरा कैंसिल आउट क्या बचा x1 = x2 फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई ठीक है केस 2 क्या होगा केस 2 जब होगा व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर लेस देन 0 दोनों 0 से छोटे होंगे तो ये वाली कंडीशन इट मींस दिस इज x1 अब पूरा निकाल के दिखाना है fx1 fx2 फिर दोनों को इक्वेट करना फिर वैल्यूज पुट करनी है ठीक है मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं 1 x1 ऑल इक्वल टू दिस बिकम x2 1 x2 तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 x1 x2 ऑल इज इक्वल टू x2 x1 x2 दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट x1 = x2 ठीक है दो कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई यहां तक तो हमें दिक्कत भी नहीं होती अब दिक्कत आती है केस 3 में ठीक है केस 3 में मैं क्या लूंगा दो चीजें लूंगा x1 x2 लेंगे ठीक है तो x1 तो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा और x2 में लेता हूं लेस देन 0 ठीक है x1 के लिए फंक्शन क्या होगा ये वाला मींस x1 डिवाइड बाय 1 प्लस x1 तो लिखता हूं fx1 एज इट इज fx2 क्या होगा मेरा दैट इज इक्वल टू अब x2 क्या लेस देन 0 मतलब ये वाला फंक्शन चलेगा दिस इज x2 डिवाइड बाय 1 माइनस यहां तक प्रॉब्लम नहीं है किसी को अब मुझे 100% चीज शो हो रहा है कि ये 0 से बड़ा है ये 0 से छोटा है तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है तो क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं इक्वल है कैसे आइडेंटिफाई करें जो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था वहां तो सिंपल था कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 था और मेरा फंक्शन था 2x मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब कि x1 अगर x2 के इक्वल नहीं है तो सिंपल जाएगा उसका डबल भी इक्वल नहीं होगा ठीक है बट यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही है ठीक है तो यहां पे हमें थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे देखो अगर मैं फंक्शन fx1 को देखता हूं x1 क्या है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू ये कुछ पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव प्लस में कुछ कर रहा हूं इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट मिलने वाला है पॉजिटिव ये सर बिल्कुल ठीक है x2 क्या है लेस देन 0 मतलब एक नेगेटिव नंबर है ऊपर क्या होगा नेगेटिव आएगा नीचे क्या होगा नेगेटिव आएगा लेस देन 0 है ठीक है नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव अल्टीमेटली नीचे क्या आ जाएगा पॉजिटिव तो माइनस डिवाइड बाय प्लस अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा नेगेटिव तो क्या मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स कभी इक्वल हो सकते हैं नहीं हो सकते जैसे ऊपर है वैसे ही होगा तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ठीक है और आप सिंपली बोल सकते हो दिस इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट ये मैंने रीजन आपको समझाने के लिए दिया देखिए ये आपको चीजें समझनी है अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो डायरेक्टली बोलना है इंप्लाइज दैट fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 ये मुझे चाहिए था अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए लास्ट केस लेते हैं व्हेन x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0 ठीक है x1 लेस देन 0 के लिए कौन सा केस दिस वन दिस बिकम fx1
क्या बन जाएगा एक्स वन माइनस वन बाई एक्स वन, ठीक है। एफ एक्स टू क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स, ठीक है। सेम वही बातें हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव नंबर, ये ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पूरा पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव बाई पॉजिटिव ये आएगा मेरा नेगेटिव नंबर। सेम एज इट इज, ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव मींस यहां से मिलेगा मुझे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल नहीं हो सकते। इंप्लाइज दैट मैं बोलूंगा fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, ठीक है। तो अब देखो, जब मैंने इक्वल लिया तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, जब मैंने नॉट इक्वल लिया तो दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये कौन से टाइप का फंक्शन है, दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज 1 1 फंक्शन हो गया मेरा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू की, ठीक है। तो आई थिंक वन वन वाला ये हटा देता हूं, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। ऑन टू के लिए वही चीजें करते हैं, दिस इक्वल टू, ये मेरा इक्वल टू y है, ये भी इक्वल टू y, ठीक है। तो एक चीज मैं देखता हूं कि जब ये x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, जब x क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब y भी मेरा क्या होगा, 0 से बड़ा। एक कंडीशन मुझे यहां से मिल रही है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देन y इज आल्सो ग्रेटर देन 0, y भी क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा, जैसे लास्ट की था वैसी कंडीशन है। और जब x 0 से छोटा होगा, x 0 से छोटा होगा, देन क्या मिलने वाला है, ठीक है। 0 छोटा मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, मतलब y इज लेस देन 0 होगा, यस और नो, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। अब यहां से एक चीज तो मुझे मिल गई, जब x ग्रेटर देन 0 होगा y भी ग्रेटर देन 0 होगा, x लेस देन 0 होगा y भी लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब दूसरा देखता हूं कि y क्या हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, x क्या y मेरी हर x की वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, वो चेक करते हैं। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की। x की वैल्यू देखो आप निकाल सकते हो कि नहीं, y is equal to x plus 1 by x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा y and plus yx whole is equal to x, x वाले टर्म एक साइड कर लेता हूं, y as it is जाएगा, y is equal to this become yx, sorry x minus yx, x मैंने कॉमन निकाल लिया, y as it is का x कॉमन निकला, क्या बचा 1 minus y, ठीक है। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x is equal to y divided by 1 minus y, ठीक है। यानी अब मैं कोई y की, देखो डिनोमिनेटर में y मिलते हैं, मुझे समझ में आना चाहिए कि ये डिफाइन कहां नहीं होगा, जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 1 minus y जहां 0 हो जाएगा वहां ये डिफाइन नहीं होगा। इट मींस यहां से मैं बोल सकता हूं कि y is equal to 1 पे ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। यानी y is equal to 1 पे ये डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अब हम चलते हैं मेरे कोडोमेन में, कोडोमेन ने ये बोला कि x की जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन, यानी ये किसको डिफाइन कर रहा है भाई, कोडोमेन मतलब इसकी वैल्यू, यानी ये y की वैल्यू बता रहा है, x की नहीं बता रहा, कि y की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होनी चाहिए, ना तो माइनस वन होनी चाहिए ना वन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां वन पुट करता हूं, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन होगा। लेकिन वन तो इंक्लूड नहीं है, वन से छोटा नंबर लेना है मुझे, तो वन से छोटा कुछ भी ले लो, ये हमेशा क्या रहेगा, डिफाइन नंबर रहेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू वन के लिए नॉट डिफाइन है। अगर ये सिर्फ बोलता कि ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू जीरो के लिए क्या हो जाता, नॉट डिफाइन, किस टाइप का फंक्शन हो जाता, एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, y इज इक्वल टू वन के लिए नॉट डिफाइन है, बट y कहां से काम बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये यहां y नहीं दिया है, कंफ्यूज होंगे कुछ बच्चे, मुझे देखना है कि ये मेरा कोडोमेन है, और कोडोमेन में जो भी वेरिएबल है x y z कुछ भी होगा, वो वेरिएबल माइनस वन से वन के बीच में लाई करना चाहिए। अगर वो माइनस वन से वन के बीच में, यानी वन से कुछ भी छोटी सी वैल्यू मैंने ले ली, तो ये पूरा फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, यहां से मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर फॉर ऑल y, ठीक है, बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, इसको अपन इंटरवल में लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, x इज डिफाइंड, x मेरा क्या है, डिफाइन है, ठीक है। x डिफाइन किस में हुआ है, ये तो फर्स्ट में हुआ है, सेकंड में भी तो करना पड़ेगा। अब सेकंड में कितना डिफरेंस आएगा, इस प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब एज इट इज लेके जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा, और सिर्फ यहां पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा बस माइनस की जगह। तो अब ये कहां डिफाइन नहीं होगा, एट y = -1 पे, क्योंकि -1 पे ये पूरी टर्म जीरो हो रही होगी मेरी, ठीक है, तो -1 पे डिफाइन नहीं होगा, बट -1 फिर से इंक्लूड नहीं है, तो इट मींस ये इस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा ही होगा। Therefore, this function is onto, ठीक है।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए छोटे छोटे, और जैसे मैंने बोला कि डोमेन और कोडोमेन, यहाँ ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू पहले चेक करो किस पे डिफाइन नहीं है। अब वो डोमेन में आता है कि नहीं आता वो देखना है, ठीक है। अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्या है, मेरा काम हो गया, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखें, मैंने लिखा है फंक्शन बिलोंग्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल बिलोंग करता है, ठीक है। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है, और पूछा इसने क्या ये वन वन और इन टू है। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ये रह गया तो मैं बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारा, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलीनोमियल। तो अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में वही तरीका रहेगा, सबसे पहले वन वन के लिए क्या करते थे, हम कोई भी दो एलिमेंट लेते थे, लेट x1 और x2, मैंने दो एलिमेंट आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए, कहाँ से बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ से मैंने उठा लिए कोई भी दो रैंडमली, ठीक है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते थे, fx1 निकालते थे, fx1 निकालते थे, दैट इज यानी x की जगह x1 रख दोगे तो दिस बिकम लाइक दैट, एज इट इज fx2 निकालोगे तो ये बन जाएगा मेरा एक्स टू स्क्वेयर प्लस एक्स टू एन प्लस वन, ऐसे कुछ होता था। फिर हम क्या करते थे, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे fx1 All equal to fx2, equate कर दो भाई, you get x1 square plus x1 plus 1 all equal to x2 square plus x2 plus 1, इस 1 से 1 cancel out। अब problem ये आ गई कि पहले हमें directly x1 x2 मिल जाते थे, but ये quadratic function है तो directly कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या करें, एक काम करते हैं, इन सबको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा x1 का square, इसको इधर लेके जाऊँ, square वाले term में इकट्ठी कर रहा हूँ, तो x2 का square इधर लेके जाऊँ तो minus x2 square, प्लस का x1 होगा ये अंदर जाएगा तो माइनस का x2 होल इक्वल टू जीरो, ये दोनों टर्म इधर गई, दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। मैंने स्क्वायर वाले टर्म को आगे लिख लिया, लीनियर टर्म्स को पीछे लिख लिया, जिनकी पावर वन है। अब यहां से देखो क्या हो सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, बिल्कुल। तो क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो फर्स्ट मैं इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा देता हूं, एक बार मैं इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देता हूं, और प्लस में यहां बचेगा x1 माइनस x2 होल इक्वल टू जीरो, यस और नो। अब ये और ये चीज देखो कॉमन आ सकती है, तो मैंने x1 माइनस x2 बाहर निकाले, यहाँ बचा मेरे पास x1 प्लस x2, और ये पूरा बाहर यहाँ बचा प्लस वन होल इक्वल टू मेरे पास क्या है, जीरो। अब दो प्रोडक्ट, दो टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, या तो पहली टर्म यानी x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो हो, या फिर दूसरी टर्म x1 प्लस x2 प्लस वन इक्वल टू जीरो हो। बट यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। अब ये देखता हूं क्या ये टर्म मेरी जीरो हो सकती है, क्या ये टर्म मेरी जीरो हो सकती है। मैंने बोला x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर मतलब ग्रेटर देन जीरो, यानी वन या वन से बड़ा ही होगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, थ्री ही हो सकती है, ठीक है। तो इट मीन्स यहां और की बजाय मैं बोलूंगा दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, x1 x2 किसको बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो जीरो और नेगेटिव साइन कोई है नहीं, तो सब पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स को आप ऐड करो, कोई भी नंबर तीन उठा लो उनको ऐड करो, क्या अभी कभी आपको जीरो मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मेरा जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, इट मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स दिस फंक्शन इज वन वन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मेरा फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। यहीं पे अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, मैं इसको कहां से का डिफाइन करता, इंटीजर टू इंटीजर करता, तब क्या ये जीरो हो सकता था, तब ये बिल्कुल जीरो हो सकता था, क्योंकि हो सकता है ये नेगेटिव वैल्यूज हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे वन होता, ये माइनस टू होता, प्लस वन होता, दैट बिकम जीरो, यस पॉसिबल है, उस कंडीशन में पॉसिबल है। तो अगर ये इंटीजर टू इंटीजर होता या फिर फंक्शन मेरा रियल टू रियल होता, दोनों ही कंडीशन में ये इक्वल टू जीरो पॉसिबल होता। तो नेचुरल नंबर के लिए समझ गए क्या था, कि सिर्फ ये कंडीशन मतलब वन वन है, बट इन केस ऑफ इंटीजर्स एंड इन केस ऑफ रैशनल नंबर दिस इज ऑल, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब x1 इक्वल टू क्या मिलता, माइनस ऑफ x2 प्लस x1, तो क्या मुझे इक्वल मिला, नहीं, यहां तो मिल रहा है बट यहां नहीं मिल रहा था। इट मीन्स ये मेरा क्या होता, वन वन नहीं होता, मतलब कौन सा होता, मैनी वन होता, ठीक है। तो अब डोमेन और कोडोमेन का फर्क पड़ रहा है कि किस डोमेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई होगी, यहाँ पे नेचुरल दे, इंटीजर्स दे या रैशनल नंबर दे, ठीक है। तो इन केस ऑफ नेचुरल नंबर ये मेरा वन वन होगा, बट इन केस ऑफ इंटीजर एंड रियल नंबर्स ये मेरा वन वन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑन टू चेक करते हैं, ठीक है। आई होप सो समझ में आई होगी चीजें, इसको डाल देता हूं आई थिंक। अब बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू में हम क्या करते थे, ऑन टू में हम एक काम करते थे कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन,
ये करते थे कि इस फंक्शन को हम लेट y इज इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू ये हो जाता था, ठीक है, वो सारा प्रोसेस कर सकते हो, सिर्फ आपको समझने की दिक्कत है। अब दिक्कत ये हो गई, क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से डायरेक्टली, क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकते, तो क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, ठीक है? तो एक तो तरीका है, जैसे मुझे x की वैल्यू निकालना, हमने सीखा था कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो पहले वही प्रोसीजर करते जो हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने का, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, ठीक है, तो आपने एक मेथड किया था 10th क्लास में, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया था भाई, बस उसी का यूज करना है और क्या कर देना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे और उसी से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो, सबसे पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में काम होता था कि x के आगे कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, x square का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मान लो अगर 5 होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करता, इसको 1 बनाता, पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा काम क्या होता था, जो x के साथ कोफिशिएंट है, दैट इज क्या है मेरे पास, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करके उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। मींस मैं क्या करूंगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करूंगा और प्लस सॉरी माइनस 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अल्टीमेटली मैंने कुछ नहीं किया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, वही पहुंच जाओगे जहां थे, ठीक है। ये सिर्फ हमने प्रोसीजर के लिए किया। अब एक्स स्क्वायर एंड दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट बिकम एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, यस और नो, किसी को समझ में नहीं आया हो, ठीक है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा x, दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ में आ गया। बाकी ये बचा 1 एंड माइनस, दिस इज 1/2 मीन्स 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, तो ये आपका आ गया प्लस का 3/4। यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस 3/4 को इधर ले आओ, तो y माइनस 3/4 ऑल इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को उधर लेके आओगे ये हो जाएगा रूट। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ y माइनस 3/4, 1/2 इधर आएगा तो माइनस का 1/2 ऑल इज इक्वल टू x, मिल गया x की वैल्यू भाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है y की हर एक वैल्यू के लिए, लेकिन y किसको बिलोंग करता है, नेचुरल, तो ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, नेचुरल वैल्यूज होनी चाहिए। नेचुरल कोई भी नंबर यहां पुट करो, उसके लिए चेक करो कि क्या x डिफाइन है किसमें, अपने डोमेन में, ठीक है। तो अगर मान लो, अब यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, अब डायरेक्टली मुझे नंबर दिखेगा नहीं इजीली, तो ठीक है, ठीक है, मान लो मैं यहां 1 ही पुट करके देखता हूं, तो अगर मैं क्या लिखता हूं कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यस और नो, ठीक है, तो y इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर रहा हूं, 1 पुट कर रहा हूं, पुट करो यहां पे, ये मिलेगा आपको रूट ऑफ 1-3/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू x, ठीक है, 1-3/4 अगेन दिस बिकम 1/4 और 1/4 का रूट निकालोगे तो क्या होगा, 1 का रूट 1, 4 का 2, तो 1/2-1/2 होल इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू क्या है, 0 डिफाइन तो है लेकिन इसके डोमेन में डिफाइन नहीं है, x क्या किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर क्या है, y इज इक्वल टू 1 के लिए ये डिफाइन नहीं है, किसी भी एक वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इनटू है, ऑनटू नहीं है, दिस फंक्शन इज इनटू नॉट इनटू, मतलब ये फंक्शन नॉट ऑनटू, ऑनटू फंक्शन नहीं है, आई बस समझ में। अब कुछ बोलेंगे, हाँ कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मान लो मैं इंटीजर टू इंटीजर कर देता तो, ठीक है, फिर मुझे कोई और वैल्यू चेक करनी पड़ती, ठीक है, मतलब 0 तो इंटीजर्स में आता है, ठीक है भाई, ठीक है, इंटीजर्स यहां मैं कुछ नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख सकता हूं, ठीक है, उन नेगेटिव वैल्यू देखो, मान लो मैं यहां माइनस का 1 पुट करूं, तो रूट ऑफ -1 × -3/4 ऐड करोगे, दिस -7/4 का रूट, क्या है पॉसिबल है, ये किस टाइप का नंबर आ गया, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, क्या नंबर आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर आता है √7i/2 एंड -1/2, मीन्स ये ओवरऑल मेरा क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ये इंटीजर्स में बिलोंग करता है, नहीं करता, तो इस कंडीशन में भी ये क्या होता, इनटू ही होता, ऑन टू नहीं होता। थर्ड केस, अगर मैं यहाँ रियल नंबर टू रियल नंबर कर दूँ तो भी भाई, तो भी ये क्या रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स तो रियल में भी नहीं आता, तो इट मीन दिस इज इनटू फंक्शन, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मेरा डोमेन और कोडोमेन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो आई थिंक फंक्शंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं,
ठीक है, कोई भी टॉपिक जो आपको चाहिए उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू।